पानी में रहते हुए भी सालों से अस्तित्व में है ये मानव प्रजाति बजाओ। क्या आप पानी के अंदर 5 मिनट तक रहकर जीवित रह सकते हैं? क्या आप अपना जीवन पानी में बिताने के बारे में कल्पना कर सकते हैं? सिर्फ कल्पना मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धरती पर नहीं बल्कि पानी में ही निवास करते हैं और पानी के अंदर 5 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकते हैं? कौन है वो लोग और क्या है उनके पीछे का इतिहास, जानिए हमारे आज के वीडियो में। नमस्कार, अनसुनी कहानियां के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अनसुनी कहानियां में हम आपके लिए उन घटनाओं, व्यक्तियों, जगहों या फिर वस्तुओं के बारे में जानकारियां लाते हैं जिनके बारे में बेहद कम सुना गया है। अगर आपको लगातार कुछ नया जानने की जिज्ञासा रहती है तो YouTube पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के बारे में लगातार आपको जानकारी मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके नए नए वीडियोस का आनंद लीजिए। बजाओ या सामा बजाओ एक ऐसी प्रजाति का नाम है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री इलाकों में रहती है। बजाओ की जनसंख्या मुख्य रूप से दक्षिणी फिलीपींस, मलेशिया में सबा और इंडोनेशिया में बोर्नियो में संक्रेडित है। बजाओ प्रजाति के लोगों का जीवन पूरी तरह से समुद्र पर ही निर्भर होता है। ये समुद्र के किनारे पर बांस पर टिके नावनुमा घर बनाकर रहते हैं या फिर खाना बदोशों की तरह नावों में एक समूह में घूमते रहते हैं। जीविका के लिए मुख्य रूप से बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं और समुद्री भोजन से ही अपना पालन पोषण करते हैं। समुद्र से गहरा नाता होने के कारण इन इलाकों को समुद्री जिप्सी भी कहा जाता है। इनके बारे में बेहद दिलचस्प बात ये है कि बजाओ प्रजाति के पुरुष अपनी जीविका के लिए हर दिन समुद्र के तले में 65 फीट नीचे तक जाते हैं और 5 मिनट तक बिना सांस लिए बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करके लाते हैं। यदि आप और हम पानी के अंदर जाने के बारे में सोचेंगे भी तो सिर्फ कुछ सेकंडों में हमारा दम घुटने लग जाएगा। लेकिन इसको कुदरत का करिश्मा कहें, दृढ़ इच्छा शक्ति या फिर हालत, बजाओ प्रजाति सदियों से ऐसा करती आ रही है। बजाओ प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में कहानी प्रचलित है कि इनके पूर्वज मलेशिया के एक राजे जोहोर के शाही रक्षक थे जो वहाँ की राजकुमारी दयांग आयशा, जिनकी शादी सुलू के राजा से होनी थी, की शादी के लिए सुलू जाने की समुद्री यात्रा के दौरान उनके पहरेदार थे। कहा जाता है कि बोर्नियो के राजा ने रास्ते में ही अपनी सेना द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया और राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद से बजाओ ने वापस जोहोर ना जाकर वहीं बोर्नियो और सुलू में रहने का निश्चय कर लिया। उसके बाद से उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां समुद्र में ही रहती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज जोहोर के नहीं बल्कि इंडोनेशिया के राज्य गोवा के थे। जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सदियों से समुद्र से इनका गहरा नाता है और उसके बिना इनका अस्तित्व नहीं है। बजाओ लोगों की जिंदगियों में झांक कर देखा जाए तो जानने को मिलता है कि आम तौर पर पुरुष मछलियों का शिकार करके उसको बेचने का कार्य करते हैं और महिलाएं और बच्चे नदी के किनारे पर एक साथ इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं। लेकिन इससे अलग कुछ परिवारों में हर सदस्य कुछ न कुछ काम करके जीविका का मिलजुल के पालन करते हैं। परिवार के पुरुष मछलियों को पकड़ने के अलावा धातु के औजार और वस्तुएं और नाव बनाकर बेचने का कार्य करते हैं। वहीं महिलाएं चटाई बुनकर और मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने का काम करती हैं। सदियों से चटाई बनाने की कला में दक्ष ये महिलाएं अपनी बच्चियों को इस कला में निपुण करती हैं। इसी तरह से सालों साल से इनकी ये कला इस प्रजाति में बनी हुई है। इनको समुद्री जिप्सी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पानी इनके लिए सीप के समान है जहां पर ये लोग खुद को बेहद सुरक्षित समझते हैं।
इस प्रजाति के बच्चे बचपन से ही कुदरती तौर पर तैरना सीख जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे समुद्र में छलांग लगाकर मिनटों में मछली पकड़ लाते हैं। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बच्चे पानी के अंदर से उनके द्वारा डाले गए सिक्के भी लेकर आते हैं। बहुत ही छोटी उम्र से ही इनकी पानी के अंदर की दृष्टि बेहद मजबूत होती है। ये पानी के अंदर कई फीट गहरी चीज देखने में सक्षम होते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी ही भाले के प्रयोग से मछलियों का शिकार करना सीख जाते हैं। ये कहना उचित होगा कि बजाऊ प्रजाति के लोग खुशी खुशी अपने जीवन का यापन हर परिस्थिति में करते हैं। हालांकि अब समय के साथ साथ उनकी परिस्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। जहां इस प्रजाति के कुछ लोग अब भी अपने पूर्वजों की तरह नावों में अपने परिवारों और समूह के साथ भटकते हुए जीवन बिता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने का निश्चय करके समुद्र के किनारों पर अपना निवास बनाया है। साथ ही अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए उनको स्कूल भेजना शुरू किया है। इस तरह से अपनी परंपरा का पालन करते हुए अपने बच्चों को अनुवांशिक कला कौशल के साथ साथ उनको स्कूली शिक्षा भी दे रहे हैं। अब अक्सर पर्यटकों को बजाऊ लोगों के साथ समय बिताते हुए देखा जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुदरत कुछ लोगों को विशेष गुणों से नवाजती है। बजाऊ भी उन लोगों में से है। इनके समुद्र के अंदर लंबे समय तक रह पाने की कला की तुलना हम शेर के शिकार से कर सकते हैं, जो कि कहीं से सीख कर नहीं आता है, बल्कि पैदा होते ही कुदरती रूप से शिकारी बन जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।